फसल ने चला हाथ से आप फसल तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कर मगर बतलाओ ये विषम गर्ल क्यों खोला है। खन खन घुमड़ घुमड़ घहरा कर घोर कर जना करते दम दम दामिन दमक दमक दम दम चबला चमके एक बे उनसे बस्था पर तर 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 गिरती हो गए। क्या प्रकट पर अभोग समय समीप आया जो संस्कृत का एक एक कण आज हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है या फिर सत्य ही बतला दो हृदय मेरा कहलाता है संभव है। प्रलय का समय समीप आया और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का तो उन्हीं के करों से वो गढ़लंग का ठहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत गम का एक ऐसा गगन भेदी गमाका है वह स्वर्लोक नरलोक नागलोक विकट झमाका है। वृषध्वज अधिक समाप्त को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन बाका निज माका है। एक बार योगा चित्त वृत्ति निरोधा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया जो नहीं होने वाला था वो हो गया और जो होने वाला था वो हो गया। नैम शरण में निवास करने वाले महर्षि दधीचि अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। अशोक विनाश हुआ अजगो अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया और यही कारण ध्यान प्रीण हुआ ब्रह्मांड रसातल फूट गया। अब तो भृगुराम कुठार कहो कर में मम ध्यान समाज से छूट गया बचान लिया मिथिलापुर में शिवचाप तड़ाता टूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया तब तो शोक 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 चिद्रोही कांत पैदा हुआ। किसने बुलाया आज मृत्यु को टहल में ब्रह्म से निर्भय ने शंख हुआ कांत विश्व भर में बीते खंड वर्ष छत्र भूमि मंडल में पर आया ना कोई लाल छत्री का समर में। देखो कभी धर्म आज होनहार कैसी होए अब तो रणका कुमार ने कुठार गयो कर में बबल बयान वेग मार तो हिला दई हो अंबर उतार मातन मह डर हो आज मर्द मर्द मेदनी अब आज खंड खंड लातन सो दिक्कत तबाह थरा साई शीश करी हो कठिन कठोर को दंड चंड लेके आज बाण समूह फटा ताल भरी हो गहन ग्रास से त्रात त्रिमर में आयत उठाए शत्रु सैन से लड़ी हो। आश्रम में रहने वाले स्मरियों आश्रम की रक्षा करना मैं पुंडरी क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव हर हर महादेव सरो सेव धनो भंगा आयो भग कुल कमल पतंगा महीप सकल सकुचानी बाल झपट जनु नवाल पानी देखत रघुपति वेश कराला उठे सवाल भय विकल भुआला देखत रघुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समीत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आई सिरनावा जनक बहोरी आई सिरनावा तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करिए हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है स्वीकारिए। अहो भाग इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है और कृते कृते हुई मिथिला समाज और करिरा जनक पद बंदल है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो। सत्यो सगुणों के उपासक सरल शांत सदाचारी
शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि साधनाओं में परपक्व विजेता अष्टांग योगी शीरत ध्वज। जहाँ पर रुद्र गीता अवधूत गीता दत्तात्रेय गीता की रचना हुई है ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व तुम्हारे द्वारा होता है। जो अचवत अंदर पमाते ही तेई नाहिन साधु सभा ते से ही, यानी राजमद रूपी मदिरा का वही राजा आचमन करता है जिसने संत महात्माओं की सभा का सेवन नहीं किया। और यहाँ सदैव संत महात्माओं के द्वारा ज्ञान का अविरल प्रवाह प्रवाहित रहता है। ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले महिपाल शुभ आशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। ये कुंडलनी चक्र सिद्ध होगा, कुंडलनी चक्र सिद्ध होगा, राजन तुम मतिवान बनोगे और ज्ञान भक्ति वैराग योग में तुम सबसे बलवान बनोगे और बन प्रसून इस वसुधा में तुम युग युगलों फूलोगे अपनी शुभ कर्मों के द्वारा। तुम नहीं किसी को भूलोगे ज्ञान निधान सुजान सुच सुंदर तुम राजन कहलाओगे धर्म धुरंधर की पदवी पा इस जग में सुयस बढ़ाओगे वीरत्व हृदय में जागृत हो तुम्हें कहीं न किंचित भय हो उत्साह हृदय में हो सदैव और तुम्हें प्रतिक्षण मंगलमय हो। आयुष्मान भव चिरंजीव भव कल्याण भव वीतराग भव पूर्ण काम भव पूर्ण काम भव शीरत ध्वज। सिय बुलाई प्रणाम करावा, ले आओ बुलाई आओ बेटी सीते प्रणाम करा। ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें दोनों हाथों को जोड़ो और वाणी के द्वारा इन्हें प्रणाम करो बेटी। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो सीरत ध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जिस बालिका की दृष्टि की ओर देखने से स्तन की दृष्टि भी मंद पड़ रही है, इस बालिका के तेज के सन्मुख भान का तेज और राकेश की प्रभाव मंद हो रही है, ऐसी सुंदर बालिका अनुपम बालिका तुम्हारे राज महलों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है सीरत ध्वज। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये गंगा सी लहराती खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती डूब चले ये नभ के सब उड़गन और छुप भी संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर ये काले केश शेष सम लटके और फन फनन फनन फंकार अंग सपेरे भूषण मीणा झन झनन झनन झनकार बोलो विदेह क्यों मान खड़े हो ये मन मेरा या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का फोन पर चय जानना चाहूंगा सीरत ध्वज। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है महाप्रभु, आप श्रवण करें सुनिए। एक कहाड़ी बड़ी जो सुनानी पड़ी और आई मिथिला में बिपदा ये देखो पड़ी। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। देवर्षि नारद के कथनानुसार हमने हलकर्षण किया और जिस समय हलकर्षण कर रहे थे तो हुआ क्या प्रभु,
की हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल के फल से ये कन्या प्रगट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद से दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। धन्य सीधो धन्य महिपाल, राजा हो तो तुम्हारा जैसा हो। मिथिला में 12 वर्ष का भीषण काल पड़ गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन रिद्ध सिद्धियों के माध्यम से तुमने समस्त प्रजा का पोषण किया। और राजा का यही कर्तव्य भी होना चाहिए कि राजा को प्रजा प्राणों के समान प्रिय होना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर प्रजा को कष्ट है, प्रजा दुखी है, तो राजा नरक गामी माना जाता है। उष्णता अधिक हो गई, देवर्षि नारद का आगमन हुआ, उन्होंने जल की समस्या का हल बताया। और जल की समस्या का हल केवल हल ही था, लेकिन लौह का नहीं, सोने का। राजा जनक के द्वारा हल कर्षण किया गया और जनमानस को एक संकेत दिया गया कि कृषि तंत्र को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए विशेष ध्यान तुम्हारा सदैव उसी ओर रहा है ना। हाँ, लेकिन राष्ट्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ा और फिर तुम्हारे पास इतना सोना उपलब्ध हो गया सीरत भाई कि तुमने सोने का हल बनवा लिया, ये थोड़ा अचरज हो रहा है। अचरज की बात ही है, वास्तव मेरे यहाँ इतना सोना नहीं था, लेकिन आप जैसे विद्वानों की एक बात मुझे याद आ गई, और बात कौन सी थी कि आपत्काल ये परखिए चारी, धीरज धरम मित्र अर नारी। मैंने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धीरज को नहीं छोड़ा, और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराजपुर, उनके पास गया, वहां से सोने का हल लाया, साथ में रानी सुनैने को लिया, हल कर्षण किया और धरा से सुता को प्राप्त किया। बहुत सुंदर। जब राजा धर्मात्मा होता है तो प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुना होगा कि राजा वेणु के अत्याचार से पृथ्वी ने समस्त धन धान्यों को ले लिया, पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने धनुष में बाण चढ़ाया, पृथ्वी का पीछा किया, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, तो पृथ्वी ने कहा जिसे जिस पदार्थ का दोहन करना हो तो अपने जात के मुखिया को बछड़ा बना करके उस पदार्थ का दोहन करे। उस समय देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया, दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके मदिरा और आशों का दोहन किया, दैत्य व दानवा वत्सम प्रहलाद मसुर सभम विद्या दुहनम पात्रम सुराश्रमम आदि आदि सभी लोगों ने, गंधर्वों ने चित्रथ को बछड़ा बनाया, संगीत का दोहन किया, नागों ने शेषनाग को बनाया, विष का दोहन किया आदि आदि। तो दैत्यों ने मदिरा का दोहन किया था, तो पहले मदिरा पान केवल दैत्य किया करते थे, और हमें लगता है दैत्यों से ज्यादा मनुष्य करने लगे हैं। ये याद रखना, ये तुम्हारा भोजन नहीं है भला, ये दैत्यों वाला है, तो जिसका भक्ष है उसी को खाने देना चाहिए। जैसे जो पशु खाते हैं, तुम लोग कह दो कि हम उनका भोजन खाएंगे तो विडम्बना हो जाएगी ना, तो कल से हम किसी को देख न ले, ध्यान रखना रुकेंगे हम यहाँ, अगर किसी को हम पा गए तो संभल लेना, भी छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे बहुत। बड़ा सहयोग मिला तुम्हें, गुरुजनों से मिला, प्रजा से सहयोग मिला, रानी ने सहयोग किया, और अब तो पुत्र भी हो गया है उत्तराधिकारी, अवश्य अवश्य, और शिष्य भी हो गया है। हाँ हाँ, है ना, अवश्य। हाँ, जब पुत्र हो जाए शिष्य हो जाए तो बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल इसी की सावधानी बरतनी है। हाँ, उत्तराधिकारी हो जाते हैं वो, तो अब दोनों जगह तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं, तो वहां भी सावधान और यहाँ बिल्कुल सावधान, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ, तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है, क्योंकि बालिका का प्रादुर्भाव धरती से हुआ है। बालिका भूमि की पुत्री है, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग किसान हैं, क्यों
किसान भूमपुत्र होता है। कभी कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपल वृष्टि यानी पत्थर की वृष्टि होने लगती है, कृषि तंत्र नष्ट हो जाता है। बालिका के माध्यम से धरती माता का संदेश है इन समस्त किसानों की ओर से, ताकि समय समय पर वर्षा हो, अन्न की उत्पत्ति हो और ये समस्त लोग सुखी हों। अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल कहीं पे गेहूं और कहीं पे महुआ गन्ना, कहीं पे हीरा कहीं पे मोती कहीं पे माणिक पन्ना, सब प्रकार के धन धान्यों से इस वसुधा को भर जा। अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, तेरे दुख को ये धरती माता कभी नहीं सह सकती, तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती, अंत समय में इस वसुधा के अवक्ष स्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा रहे, ऐश्वर्य सदा भव, सुखा भव, भद्र भव, कल्याणी भव। बालिका विवाह में तीन सखियां यहाँ पर, जाओ तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखो। आशीष दीन सखी हरि सानी, पुत्रवती भव, पुत्रवती समाज जाओ ले गई सयानी, बहुर बिलो की विधि हसन कहु कात भीर, पूछत जान अजान जिमे ध्वजाज। हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं, आ रहे हो जन 72 कोष से बने हुए विस्तृत पांडाल के अंतर्गत, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो त्रिलोक के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में विद्यमान हैं। इन महिपालों के आने का कारण क्या है? सजी हुई हर गली गली हर गह गए प्राचीन समीर दिखाते हैं, तंबू तने जिन पर सुकेत लहराते हैं, भिन्न भिन्न के चिन्ह बने जैसे अनेक अपनी पर हो चढ़ाए तक बना करके चढ़ाए या प्रवाह है शरण को ये बना करके हाथ में जब जितना की चढ़ाई सेना फिरे है, ये तड़ाक फड़ाक कैसी विदे है, ये तड़ाक फड़ाक कैसी विदे है। समाचार कहीं जनक सुनाए जेही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। आज गो उठा लिया सीता ने, ये देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, प्रणाम क्या हुआ, जिसमें ये अजगो टूट गया। नारायण हो जा, सीरत भजमान हो जा। सुनत बचन हिरियनत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे, देखे चाप खंड महिदारे। शस्त्रागार के मुकुट आर्यावर्त के गौरव भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक, और तुम्हारी दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही। एक वो समय था जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा वीरों के प्राण दिए जाया करते थे, और आज तुम्हारा अंत हो गया, लेकिन विश्व में तुमने किसी से रक्षक की गुहार नहीं लगाई।
एक बार तुमने मुझे पुकारा होता विश्व में कोई वीर नहीं जो तुम्हारा दो खंडों में विभाजन कर देता, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे नहीं पुकारा प्यारे पिनाक। प्रभु आशुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी किंतु न तुमने मुझे पुकारा, और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जन था जीवन था ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था, आश्रयहीन अस्तु थे दृग में दानवता का तम छाया था, पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्हीने बतलाया था, तुमसे भी पहले पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था, और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारी पिनाक, इस धराधाम में जो आया है एक ना एक दिन कराल काल के गाल में उसे वसे जाना पड़ेगा, जिसका निर्माण है उसका निर्वाण है, जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। आती ऋषि बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। किसने तोड़ा धनुष, किसने तोड़ा धनुष, तोड़ा धनुष, हमारे गुरु शंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान, दिया था देवरात को तान मिलेंगे से ही भगवान, किया क्या किसने कहा, बाल किसने तोड़ा धनुष, बाल किसने तोड़ा धनुष, बेग दिखाओ मुड़ी नदिया जू लेटू मही नहीं तो राज। पानी अवरुद्ध हो गई है, बोल नहीं सकता, मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूँ कि शीघ्रता से दिखा, देरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है, मुंह न ताजू आज मुंह नहीं है, जान बूझ करके प्रतिज्ञा किया है, यदि ऐसा नहीं किया तब आज परिणाम यह भोगना पड़ेगा कि यह उल्टा मही उल्टा मही चाले तो राजू, जहां तक तेरी राजसीमा है वहां तक धरती उड़तूंगा। अति डर उतर देत नपनाही, कुटिल भूप हरि से मन माही, सभे बिलो के लोग सब जाल जान की साध कछु बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है।